मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले पटना के सीजीएम कोर्ट में पेश हुए हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से उन्हें जमानत मिल गई है और वो अब आप देख सकते हैं तस्वीरें बाहर निकल रहे हैं। और सुशील मोदी ने ये मानहानि का मुकदमा किया था राहुल गांधी के खिलाफ जब उन्होंने कहा था कि जो मोदी सरनेम वाले लोग होते हैं क्या वो चोर, ज़्यादातर वो चोर क्यों होते हैं, इसी को लेकर सुशील मोदी ने मुकदमा किया था, जिसके बाद आज राहुल गांधी की सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई है। और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें, राहुल गांधी तकरीबन 10 मिनट तक कोर्ट के अंदर ही रहे जहां जिस दौरान सुनवाई चली और उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई है। एक्विजिशन एक्सप्लेन किया गया, क्या उन्होंने जो चार्ज था उसका एक्विजिशन एक्सप्लेन किया गया जिसको इन्होंने डिनाई किया और इनको 10,000 की दो श्योरिटी की जमानत दी गई। 10,000 के निजी मुचलके पर जो राहुल गांधी को है वो जमानत मिल गई है, ये थोड़ी बड़ी राहत है। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें, जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी फिलहाल गाड़ी में यहाँ बैठे हुए हैं। 10,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिली है और फिलहाल अब वो वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। साथ में कई कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का जो दौरा है वो राहुल गांधी का चल रहा है। मुंबई में पेशी हुई थी ऐसे मुकदमे में, आज पटना में पेशी हुई है, लेकिन यहाँ भी उन्हें थोड़ी राहत मिली है और उन्हें जमानत मिल गई है। नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना। Thank you.